data is never the measure of efficient study. Please have this in mind. And I have victim of this issue. So please, ये hidden trial चीज बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा इसको. कोशिश करेगा कि आप लोग ये काम ना करें. कभी भी ये सोच के नहीं कि भैया इस attempt में तो कर ही देना है. नहीं, इस attempt के लिए मैं अपना 100% दूंगा. ये है आपका मंत्र. अगर आप इस बार बैठ रहे हैं, 22 में बैठ रहे हैं, 23 में बैठ रहे हैं, किस में बैठ रहे हैं, आपका टारगेट क्या है? मुझे इस अटेम्प्ट में अपना 100% देना है. इस अटेम्प्ट में 100% देना है. जस्ट राइट इट समवेयर ऑन इन फ्रंट ऑफ यू कि इस अटेम्प्ट में 100% देना है, ना कि ये अटेम्प्ट क्लियर करके अगले साल आईएएस बन जाना है. दिस इज ऑल अ रॉन्ग परसेप्शन, प्लीज ट्रस्ट मी. बस हर जगह इस अटेम्प्ट में 100% देना है. ये भी नहीं कि ये नहीं सोचना कि अगले अटेम्प्ट में देंगे. कई लोग 5 साल का प्रिपरेशन करके आते हैं कि 5 साल की तैयारी करना है. दैट इज वियर्ड. ये नहीं होता है. बस जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उसमें 100% देना है. और आपका 100% सच मानिए उस पेपर के लिए बहुत होगा. आपका जो भी 100% है उस पेपर के लिए बहुत होगा. लेकिन हाँ, उसके साथ चीटिंग नहीं करना है. 100% तो 100%, ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन. सो आई कवर्ड मेरा बैकग्राउंड, कब कैसे और प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की और क्यों स्टार्ट की तैयारी. और अगला है कि कितना वक्त मुझे लगा. एक्चुअली मुझे प्रॉपर टाइम 2 साल अपना बेस बनाने में लगा और इट took me 3 years properly कि मैं यहाँ पर पहुंची अभी properly. Next is stages of preparation. अब सबसे पहला तो ये होता है कि आप कहाँ पर हैं. आप पहले समझिए खुद को कि भैया हम कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ इस तैयारी में. क्योंकि कई लोगों का होता है कि जैसे मैं बचपन से ही बहुत सारे स्पीचेस और डिबेट्स में एक्टिव थी. स्कूल टाइम से ही अपने बहुत सारी जगह गई, बहुत स्पीचेस डिबेट्स दिए. तो मेरे फादर ने मुझे बचपन से ये हैबिट लगा दी थी कि तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है. तो मैं क्लास 6 से ही रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ती आ रही हूँ. तो मेरा